नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया है और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज। मैं इस वक्त मौजूद हूं खगड़िया सदर अस्पताल में। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है आप मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं। बिहार सरकार के तमाम वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आज खगड़िया सदर अस्पताल में भी वही चीज देखने को मिल रहा है। आइए मैं जानने का कोशिश करता हूँ। इनकी सिस्टर की आज सुबह सदर अस्पताल में एडमिट हुआ, वो डिलीवरी पेशेंट थी, और क्या वाकया हुआ इनके साथ बताइए। क्या थी आपकी सिस्टर के साथ, आज डिलीवरी होने वाला था उनका? जी सर, हम यहाँ 6 बजे ऊपर हो गए थे, लेकिन हम यहाँ पर कोई तरह का व्यवस्था नहीं है। एक वो जो दो को सिस्टर थी यहाँ, रेजिद और आभा नाम की, बोला संडे है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। यहाँ की व्यवस्था से हम बिल्कुल ही अथी हैं कि यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। एक डॉक्टर चंदर नाम है, क्या नाम है, रविंदर डॉक्टर साहब है, बोले कि आज एक ही डॉक्टर का ड्यूटी है यहाँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ कुछ नहीं है। हम पूछते हैं कि सर यह क्या संडे देखता है पेशेंट को, क्या बीमारी संडे देख के आएगा है? यही सब व्यवस्था ये सदर हॉस्पिटल की, हम ये व्यवस्था से थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ अगर हमारे पेशेंट के साथ अगर सही ट्रीटमेंट होता तो आज मेरा पेशेंट बच सकता था। ठीक है, इसके लिए कब तक यह बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था उन मासूम की मौत का सवाल, मासूम की मौत लेते रहेगा? आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है पूरे बिहार के अस्पतालों की, जहां पे डॉक्टर नहीं है, जहां पे दवाइयां नहीं है, मासूम गरीब मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था ने मौत ही मौत का अंजाम दे रहा है। कौन डॉक्टर आज रविवार है, कोई नहीं सुनवाई करेगा, सब कोई हंसरे होगा, हम भी नहीं रहिए, कल करे फरकर बाबू, हमारा नाम नहीं सुनने चाहिए, मैं चले रहिए साथ दक्षिण। आपका पेशेंट के साथ क्या परेशानी बाबू? खाली ब्लड गले बस, यहाँ से रेफर कर दल के हो बाबू, कुछ नहीं दल को, हमारा बेटी के लक्ष्मी को कोई ट्रीटमेंट नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं कर लो। आप देख सकते हैं कि आने के साथ सिर्फ व सिर्फ एक रेफर तक आता है इन्हें करने को, लेकिन पेशेंट का ट्रीटमेंट करना इन्हें उचित नहीं लगा। यहाँ से रेफर किया गया, बहुत पेशेंट सीरियस थी। अच्छा, 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, 3रा ऑपरेशन था। अच्छा, अभी पीपल से साफ एकदम खत्म था उसका, ब्लीडिंग हैवी ब्लीडिंग था। अच्छा, तो पेशेंट का आरोप है कि उनको यहाँ पे डॉक्टर जो है देखे तक नहीं। लेडीज डॉक्टर है अभी यहाँ पे? लेडीज डॉक्टर नहीं, आज ड्यूटी में है। हाँ, आज ड्यूटी में है, आज ड्यूटी में भी नहीं है। कौन डॉक्टर आज ड्यूटी था, किनका था? डॉक्टर सुभाषिनी मैडम, उससे बात हो चुकी है, सिर्फ फोन पे ही बात हो गई आपकी। उसके बाद फिर रेफर को किसने किया? एनेस्थेटिक सर, जो बेहोशी वाला सर है वही। अच्छा, मैडम बोली सर को बुला लीजिए, सर अगर सर गछेंगे पेशेंट ऑपरेशन करने लायक है तो हम आके ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन सर यहाँ लेबर रूम के अंदर आके देख लिए, उसका बीपी पल्स सब खत्म होने वाला था, पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर का ड्यूटी क्या फोन पे ही सिर्फ होता है, या फिर जो है वो आती भी है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे, जब भी ड्यूटी लगती है तो? पेशेंट का तो सीधा आरोप है कि उनको देखा तक नहीं गया उसका जो है लेडीज डॉक्टर के द्वारा। लेडीज डॉक्टर नहीं देखा उसको? सर इमरजेंसी वाला सर देखे हैं। लेडीज डॉक्टर को आना चाहिए था ना, आज देखना चाहिए ना। अब पेशेंट जो डेथ कर गया उसका जिम्मेवार कौन हो सकता है आपकी नजर से? यहां से पेशेंट ठीक ही गई थी। गई कहां, आपके सदर अस्पताल में ही है अभी तक वो पेशेंट? जी नहीं, यहां चली गई थी, यहां 9:15 बजे रेफर हुई है पेशेंट।